नमस्कार की मुलाकात में तो लोग के स्वागत करत हमने के देश एगो बहु सांस्कृतिक एगो बहुभाष्य देश है के विविधता में एकता ही हमनी के देश के ताकत मानल जाला आज हमने एगो ऐसा भाषा पर बतियाब जा जेकर जे कारण बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशियस के मान बढ़ल बा भोजपुरी भाषा मात्र एगो भाषा नहीं है हमनी के धरोहर हमनी के पूर्वज लोग के द्वारा आनल गल विरासत भी है आज प्रोग्राम में हमनी देखा देखब कि भोजपुरी भाषा के उत्थान विकास खातिर मर्शस में कौन तरह के काम हुआ एक खातिर आज हमनी के मेहमान हवन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सरिता बुधू जी नमस्ते सरिता जी नमस्ते के प्रोग्राम में तुम्हारा स्वागत बाटे तो हर खातिर कोनो पहचान कोनो दीक्षों के आवश्यकता नहीं है कहे तो हर काम तो हर मेहनत और तो हर लेखन खासकर तो हर संघर्ष भोजपुरी भाषा देने यही तो हर पहचान बार फिर से हमनी तो हर स्वागत करते हैं जहाँ हमने के प्रोग्राम में जैसे हम बोलनी आज हमने भोजपुरी भाषा के विकास उकर उत्थान आर भोजपुरी की स्थिति मॉरिशस में उकर पर आज हम बतिया जा सबसे पहले हमने के बताओ कि आज मॉरिशस में भोजपुरी के स्थिति कैसन है कहाँ से निकल के आज भोजपुरी कहाँ ले पहुंचल बा मॉरीशस में मॉरीशस में भोजपुरी के पूर्वज संगे आसे जैसे ला अभी हाल ही में जो नवंबर के हमने पूर्वज हमने के, के मॉरिशस अला के एक सौ हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स साल ग्रह मनैली और दरमियन एक सौ हंड्रेड एंड सिक्स साल के दरमियान जो न भोजपुरी के मान लग दौरा मॉरिशस में हैजा आ के वो लोग बसलन जा अभी जो हमने हैजा पाँचवा या छोटा जरूरी है तो भोजपुरी संगे संगे ओकर भी आ, यात्रा चलल बाटे मॉरीशस में आ आके वो हैजे के, है के हो जी और हैजे जाके भाषा हो गर बाटे मॉरिशस के भाषा बन गल बा और हैजा के मिट्टी है के मिट्टी से हैजा के सूरज से है के जनता से जनता से, से हैजा के पानी से धूप से भोजपुरी मिल मिल बाटी और भोजपुरी आज एगो बहुत ही डायनामिक भाषा बाटे बहुत ही उज्जवल भाषा बाटे और दिन प्रतिदिन भोजपुरी के बहुत मान आवता बहुत और तो मांग आवता कि एक और कार्यक्रम करी सही में एक बहुत सुंदर भाषा भोजपुरी मॉरिशस में आके बोली रसा खूब जोली बा भोजपुरी खूब जोली भोजपुरी खूब जोली बा भोजपुरी खूब इस प्रकार के बहुत तरह के कार्यक्रम लोग गावेला भोजपुरी में लोग सोचेला भोजपुरी में लोग लिखेला भोजपुरी में प्रकार के बहुत कार्यक्रम हमने जैसे कि पहले जब हम मर्शद भोजपुरी इंस्टीट्यूट के सेटअप कैली कहे कह सेटअप कैली उस समय ऐसा एगो समय आ रहा कि लोग सोचे कि जो भोजपुरी बतियन स लोग के लोतमी हंसी बोला था अभी नाइनटीन एटी सेवेंटीज में हम एगो तठान कैली खुद उस समय भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन नहीं बनल रही तो समय हम एगो एन जी ओ तैयार कैली मर्शद भोजपुरी इंस्टीट्यूट और एक प्रमोशन हम करते गैली और इतना भोजपुरी सप्ताह कैली सद मॉरिशस भर में वही समय हम गईलीस्लियो में जैसे शहर के नजदीक और जा देख देखली महिला लोग गीत जा चल रीतवन बटोर के तब ओके संगीत में डाके के हे कलकत्ता से छूटल जहाज बहुत मशहूर हो गई बा दुनिया भर में और पानी न बा चैंगन पानी भरे आज सब लोग इ गीतवा के पहचान और रीढ़ी दर पीढ़ी गीतवा से बड़ा होल हो जा हो ता प्रकार से हमने बहुत एक एगो अवेयरनेस बनैली जा क्रिएट कर ली जा कि जनता में कि भोजपुरी हमनी के भाषा है मॉरिशस के भाषा हर में बहुत मिठास बाटे है में बहुत रौनक भाषा और हर चाहे ला के एक सोचे के कि हमनिए के डीएनए में बाटे जी जी हाँ और एक भोजपुरी के विरासत है हमने के, के खाली एगो भाषा नहीं हम एगो विरासत ही एगो, एगो सभ्यता और इ जब जैसे एगो घर में कतम आदमी भोजपुरी नहीं बतियाता छूट गए बाटे त बोली हमारे लोटान अमिन मोलोटा जी आ, को तावा थे। तावा के दूसर मोर नहीं बाटे भोजपुरी में या कोई बोली लड़का के गोदी में ले ले बा तब बोली मोन पाँव फला दमो गोदी जी और बहुत दुख क्रियोल में कितना सवन के भोजपुरी शब्द क्रियोली चला चला बाकी कोई भी भाषा लेन देन करेला जैसे आदमी लेन देन करेला सब चीज में आ, तो भाषा भी लेन देन करेला और प्रकार से भोजपुरी हाइजा के माना बन ग बाटे तो और गीत गवाए जब यूनेस्को में 2016 में भेज ली जा मॉरिशस के सरकार जी। तो गीत गवाए के यूनेस्को में गैला से भोजपुरी के मान और बढ़ हाँ। कहे कि जब गीत खाली मॉरिशस के नहीं है वो अब रिमानिते के हाथीमान मोजारिमानिते धरोहर बन गए ओके जब मान्यता मिलल तब भर में मान्यता मिलल बाटे इस प्रकार से भोजपुरी के बहुत उज्जवल स्थिति बाटे और बहुत ही धनी एगो भाषा है ओकर लोक परंपरा बार ए, संगीत बा लोक बोली जो जो इन अनेक प्रकार के महावर बाटे चुटकुला बाटे या कि एथी बाटे कि बुझावल ए, बुझावल ह अनेक बुझावल बाटे और इस सब के हमने ओके एगो नया रूप देवत है जा, जनता में जैसे अभी मंत्रालय कला एवं संस्कृति धरोहर सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन चलेला जेकर जे हम चेयरपर्सन है ई तो में कोविड नाइन्टीन के बाद एगो एथिक कलक एगो प्रोग्राम हो एग मंत्रालय में कि ऑनलाइन मान ल स्टोरी टेलिंग हो कहानी अच्छा। हाँ खिस्सा कहानी के तो उमे मंत्रालय क्रियोल फ्रांसे के अलावा भोजपुरी के भी अनलग अच्छा हाँ तो हमने देख ली जा कि में बहुत ए, बहुत कहानी बा मॉरिशियस में जो आदमी लोग अनले हो जा और हजो पर बनावे बनावेल जा रचलन जा जी हाँ तो लिखल जा जो के लेखक होन जा मॉरिशस में भोजपुरी में भी लिखले होवन जा प्रकार से भोजपुरी के बहुत विस्तार बहुत विस्तार क्षेत्र हे और जैसे बोलब एक ऐसा भाषा और बहुत पुराना भाषा हान माना संस्कृत संस्कृत के समय से इ चलने आवता जैसे बुद्ध के भगवान बुद्ध भगवान बिहार के रहलन तो हौजा से जो बोली बोल जा पाली या प्रकृति तब तो में भोजपुरी के अनेक शब्द बनते आवता आवत ऐते ऐते अते अप्रंश बनते बनते तब देख कि बिहारी हिंदी बाटे बिहार के आ, और में भोजपुरी मैथिली मगही सब भाषा बहन लोग हवन जा जी, जी, जी. जी. तो भोजपुरी के बहुत विस्तार रूप बाते और पहले तो आदमी भोजपुरी नहीं बोल भोजपुरी शब्द नहीं बोलो हम यी बोलत हैं भाषा बोलत है या बोलियन सर की बोली बोलत है के बोलिया और मॉरिशियस से जब हमने के पूर्वज लोग अलन जा तो कलकत्ता के जरिए से अलन जा बहुत लोग बिहार उत्तर प्रदेश और मान लो 26 गो डिस्ट्रिक्ट से जो लोग अलन जा कोई भोजपुरी नहीं बोलता लेकिन जब मॉरिशियस में अलन जा तो एको आम भाषा जैसे बन गए। हाँ और लोग के सब स लग जब बोला बोल जा में ढाका में जियत ना जब गिरमिटिया बन के मजदूर अलन जा खेती बारी में जब काम करते सब कोई है बचाल हजाले कि चिनुआ जन बुतिक खोलक वो भी भोजपुरी और जी जी। गोरा मालिक मिल मालिक भी भोजपुरी बोलता सब कोई भोजपुरी में बतिया और भाषा जब लोग आए तो कलकत्ता बंदरगा से अलन जा के बोल गए कि लोग के कलकतिया होन सी तब तो कलकतिया बोलल जाला भोजपुरी के कलकतिया जी, जी, जी हाँ ऐसे भाषा हा। और इमे जैसे देखबा कि एगो जो गीत गवाई के बारे में चर्चा कर ली गमत भी होवेला भोजपुरी में गमत बहुत सुंदर रूप से आदमी भोजपुरी या हिंदी दोनों के लेकर के कलाकार लोग अपन अपन क्रिएट करे कर सृजन नया नया अपन या देश के बारे में आ, संस्कृति के बारे में कोनो भी विषय या एनवायरनमेंट के बारे में कोई न चीज लेकर के लगभग गम्म गठ दूसर चीज जी और गीत गवाय जो गवाय ये गो संस्कार ही गो सं एक पर थोड़ा आगे बतियाब जा जैसे तो हम जान ल कि तू भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्षा हुआ। के थोड़ा बताओ कि भोजपुरी भाषा के ओकर प्रचार प्रसार खातिर विकास खातिर भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन कौन तरह के काम आज करत आ देखा भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन जैसे अन्य स्पीकिंग यूनियन बा सरकार स्थापित कर ले बा मोरिशस में तो सब स्पीकिंग यूनियन में दस को स्पीकिंग यूनियन बा यानी कि सब भाषा के बराबर स्तर दे ले बस सरकार मॉरीशियस सरकार एक खाली एक मॉरिशियस देश जहाँ पर सरकार एगो एगो निर्णय ले, ले भाषा के दर्जा देव था बोले के ओके लिखे के और ओके ओके अपन विचार प्रस्तुत करे के भोजपुरी जो ह हमनी चाहत है जाके 2012 में वो स्कूल में ओके इंट्रोड्यूस करे के जैसे कि एगो बोली जब लड़का बोली जस्ती और आगे प्रगति करी अभी ले वो मानला नहीं ले मान तो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन में हमने चाहत है जाकि एगो आ, एकर पर जोर दिया जाए कि आ, ए, मानला कि एजुकेशन में शिक्षा विभाग में जी। सरकार एकर पर ध्यान दे, हम एगो बात बोलते हैं आपके कि यूनेस्को में जब गीत गवाए के नॉमिनेशन जब बहुत देश के डेलीगेट बहुत देश के कंसल्टेंट ऊपर काम करेला सोचेला, विचारेला, जो ला जोन जो चीज उमें जा। है एक, एक तो एगो संस्कृति ह और संगे जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होला जैसे कि लकड़ी तार जो डलेली जाकर mm -hmm. जैसे रहल बात पेश करेला के पूर्वज लोग ढोलक लोटा चिमटा संगीत चलेला और एक चाहेला के वही रूप में रखे के जी। तब कहे कि ओ एगो संस्कार है और फिर छ बरिस के बाद वो यूनेस्को एगो जांच करेला अपन कंसल्टेंट के भेजी और मॉरिशस सरकार के परी एगो पीरियोडिक रिपोर्ट दे के अच्छा। कोंच कर ले बा भोजपुरी के बढ़ाई के गवाई के रिजर्व करे के रखे के ओके और ओके नया जनता में पीढ़ी में जी। ए, कैसे ओके ट्रांसमिट करी और ओके कैसे रूप वही रूप में रखी ओके तो के चाहला सोचे कि और एगो चीज यूनेस्को कि मोदी नीते के चाहला बच के रखे के ओके चाहेला जो ओकर धरोहर है जोन परम्परागत है वही रूप में उ चाहेला रखे के और कमर्शलाइजेशन नहीं चाहेला होके जमे कि एगो एगो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हा एक संगे संगे भोजपुरी भाषाओं भी चलेला कहे के पूछला कौन बोली में कौन भाषा में गवा डाला तंग्लै में होला फ्रांसे में होला क्रियोली में होला नहीं ना भोजपुरी तब भोजपुरी बतियाबह तब न हो अपन लैका फैका से चाहे चाहेला सोच विचार के कि जब लेकोल में बोलने बात यूनेस्को के आने के और पढ़ावे के नियमित रूप से और फॉर्मल एंड नॉन बैठका में भी जो हमने सयंकालीन पाठशाला आदि में चाहे ला के बचा के, और ये मानना मॉरिशस में तो कोई भोजपुरी बतियावा चाह जो हिंदी आज आगे बढ़ गर्बा एगो विश्व के धरोहर एगो विश्व भाषा हम बहुत मान्यता बाटे हिंदी के बहुत प्रचार बाते और विश्व के तीसरा या दूसरा या तीसरा भाषा बन गए बा तक तो बोले कि जो प्लांटेशन कॉलोनीज बाते जो मॉरिशियस फिजी गयाना सुजीनाम ट्रिनीडा दादी जो बाटे तो धरोहर भाषा धरोहर जोन है भोजपुरी भोजपुरी या अवधी या आसपास के भाषा त तो मॉरिशियस के हिंदी बढ़ गा ओकर तो न्यू भोजपुरी है घर में सब भोजपुरी है, बतियाला दादा नानी ना, सब कोई से लेकिन लोग के चाहना सोचे के कि भोजपुरी के मान्यता बतियाब तब हो जब बोलब तब न हो जी हम जी। तोरा एगो जवाब देव थे जब नहीं बतियाब का हो भाषा जी, खत्म हो जाए खत्म हो जाए मर जाए तो कहे जिंदा होके गौरव सा और सोचा कि जब दुनिया में ऐसा ऐसा प्लांत बा अब दो दो जोन बातें मर गए ना जी। अब वह जीवित नहीं सकबा करे फिर से तो भोजपुरी के काहे जिंदा गारल जाए चाहे ना बतिया के चाहे प्रस्तुत करे के चाहे उपयोग करे के अब चिराई जोन है ऐसा चिराई बा मॉरिशस के एंडेमिक चिराई बातें वो लगभग खत्म हो गए तो कितना पैसा पीछे अथी होल दीपासी होलक्षण संरक्षण संरक्षण ओकर अंडा सब बचा बचा के लैका फैका चिड़ैया चिरंगिन सब बनावल ग फैली प्लांट भी ऐसे बा एंडेमिक प्लांट केतना मर गया ओके फिर से जियावल जाता बढ़ावल जाता जी, जी, जी। तब जब एगो भाषा तोहर बीच में बा तोहर संगे बात हमने धरोहर हनिके धरोहर हमने के, के संगे बात काहे ओके मान गला छिपके कर पढ़ाई के, के।, के।, के नहीं कि एक दिन जब बोलब कि आई भोजपुरी एगो भाषा मोरिस में लैका पूछी दादा दादा पापा पापा जने पचास साल में जमा कैसे कैसे ले भोजपुरी तब बोला हाँ भोजपुरीयो भाषा ऐसे मर तब कैसे तो ओके चाहे ला अभी से जिम्मेदारी हमनी हमनी के के ही है जिम्मेदारी है ओके चाहे ला बढ़ावे के स्कूल में भी चाहे ला जाने के और ओके उपयोग करे के और हमनी भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन में पचास गो गीत गवाए स्कूल बाटे अच्छा गीत गवाए की बात बोला था अभी हमनी के बताओ कि बढ़ाए खातिर तू तो लोग कौन तरह से जागरूकता बढ़ावा जा। जब भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के क्रिएट कर ली त देखली कि है जन महिला लोग गीत गवे उस समय मान्यता नै रह कि आयो गीत गवाय तक कने बुढ़िया लोग गवेला mm. दादी नानी लोग छोकरी लोग मदर नहीं अथी ले लाते हो तहर बोली कैसे अब एक पसकी उसेवा पर काम करी दो हजार ग्यारह से दो सेवा पर काम कर ऐसा कंसल्टेट यूनिवर्सिटी डे mm. मोविश मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आर्ट एंड कल्चर नेशनल हेरिटेज फंड अप्रवासी घाट एम जी आई uh, 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 mm. सब काम कर ली सब mm. मिल ग ढेर कंसल्टेन्ट लोग मिलकर त हमें सोच ली दी हम सोच ली जब हमके नियुक्त कर सरकार 2012 में बारह परसेंट हम सोच ली एगो लिकुल खुलब हमारे कपार में आए और लिकुलवा खोल ली तेछे गफके में और तू जाने ला गाफके जी और पेचे में खोली ली अस्सी गो महिला लोग आयल और लोग के रेज, रेजिस्ट ले सर तब लिकुलवा में एगो करिकुलम तैयार कर ली एगो सिलेबस कि भोजपुरी भाषा का ह कहाँ से हमने के गिरमिटिया इतिहास कौन छह कैसे हमनी के हमनिक खाली पूछा कहाँ से आयल हो बिहार से, से. <laughs> नहीं और अलावा जल जानकारी दिली स फिनोल लेकोल में अलन सर रुचि गीत गवाह कौन सी हाँ कब गावल जला कौन संस्कार में और कैसे कैसे उमें? श्रम गीत बाटे जैसे कि हरपरवरी गीत बाटे और गोदना अच्छा। गीत बा अनेक प्रकार के गीत बात जसार गीत बाटे सब के हमने बाइ कर के पुष्टि दे ली जा और जब देख ली जा कि के पढ़ाओत ह गुरुआइन जोन पुरिया लोग लो ले, नहीं रहा रहा रहा, में भोजपुरी के गीत सीखे लेकिन उ लोग अपन दादी नानी से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं और उकार से जो करलन जा तो लोग के फिनो जो झुम्मर नृत्य बाटे ये एगो कला है एगो मान एगो इसने रस्ते चलते अथी नहीं है घर में एगो कला बाटे और कैसे के प्रस्तुति करे के हमने सिखाए जा एक संगे संगे मूल्य पर भी हमने ध्यान दन लैका से घर में कैसे रहे के फैमिली बॉन्डिंग कैसे करे के प्यार से प्रेम से जाने दादी नानी लोग पहले कैसे बहुत रेखा के बहुत प्रेम से बच आवत आवा दल हौ प्रेम तनि छूट गल बात सब हमने पर जोर दे ला जा और ए कि गीत गवाय के ह एक खाली एगो एगो जलसा नहीं ह एगो संस्कार है एगो संस्कृति है और हम मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एमबीसी के बहुत बधाई देव कि हमने के जो सफर रहल बाटे हमने के जो धारा रहल बा वो हमने के बहुत सपोर्ट करते आ बाटे सीन नहीं रह भोजपुरी मतलब बहुत ही जो स्तर है जो इज्जत बाटे जो मान सम्मान आय बाटे प्रस्तुति हो गो भोजपुरी चैनल भी बाँटे मॉरिशस से एगो बहुत ही यूनिक देश जहाँ पर मॉरिशस में 24 घंटा सात दिन लगातार भोजपुरी चैनल चलेगा चले बहुत एगो कम्युनिकेशन के लेवल पर एजुकेशन के लेवल पर हमनी के बहुत सहायता लेकिन हमने चाहला बच के रहे के कैसे ओके सब चाहला प्रस्तुति करे के एकदम के बता कि तोहर हिसाब से आज हमनी के नौजवान लोग के रुचि कैसा हाँ भाषा देने हम सब बोले अभी आठ साल जे 2012 में भोजपुरी पहले तो मॉरिशस भोजपुरी इंस्टिट्यूट कायम कर ली जब पानी नहीं बस बहुत एगो अब एन जी ओ एगो के तरफ से चलावत ली तब बहुत तकलीफ रहा फंडिंग रहा mm -hmm. और आ, लेकिन जब सरकार भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के कायम कर लगक तो एकर में एगो स्ट्रक्चर बाटे, और एक और बोर्ड बाटे, कला एवं संस्कृति मंत्रालय एगो पारास्टर बॉडी निकल चला। सके हमने के फंडिंग थोड़ा कमी बाटे, लेकिन हमने देख हैं जहाँ ई में भोजपुरी के रुचि जितना कार्यक्रम करते जब भी हार जाने ला ना दो, दो दिसंबर के गीत गवाए के इंस्क्रिप्शन के यूनेस्को में चौथा बरिस मनैली जा जी, दो दिसंबर के जी, एक दिसंबर है हा, लेकिन हाई बरिस दो दिसंबर के था तो एक कार्यक्रम से बहुत मांग आवेला जब एक एम बी प्रस्तुत करेला न लोग देखेला देखेला हम भोजपुरी बतियाब हम भोजपुरी सीखब बहुत जेनेस लोग बहुत लड़का लोग आवेला हमारास ती जब लेकुल में जब चलावत एकरे और मान्यता चल तो चाहेला सरकार कर पर ध्यान देवे के हमी तो अपन ओर से करत है जा जहां जहां जात है से के पचास गो ले को जो कायम हो गए बाटे गीत गवाए के वो में भोजपुरी के प्रचार भी करी ला जा और वो में बोली ला जा कि माता बहन लोग तो लोग के चाहला अपन लैका अपन आप से भोजपुरी भोजपुरी में बतियाए के हम सोच हं कि अब फिल्म के माध्यम से हमने मोर्शस फिल्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन के संगे एक एमओयू जैसे तैयार कर जा कि भोजपुरी में भी फिल्म बनी शॉर्ट फिल्म ताकि जेनेस लोग के जैसे बोलते हुआ युवा पीढ़ी के लोग के एक बहुत क्रिएटिव माध्यम है बिल्कुल लोग संगे जुड़ल है ना जैसे आई टी यूट्यूब फेसबुक पर चले तो देख लीज कि बहुत लाइक जेनेस लोग रुचि ले चाहे लो अपन भोजपुरी ठीक से भी नहीं बतिये कौन चीज बो, बोलत हो जान ए कोशिश करत ऐसे जब हम फो, फोत निकालब स कि हम अच्छा से नहीं बोलक उ अच्छा से नहीं बोलक तब सब को अपन उकर, उकर mm -hmm. कोई अपन अपन ढंग ओकर डिक्शन बातें बोलें के कोई के जस्ती प्रभाव बा तो कोई बात नहीं कोशिश तो करत आ बोलें के न भाषा बहुत लैका लोग पत्थर बनल सोना गोफिम बनाई स गड़बड़ी बहुत ओकर अथी मान होल अब अबरिक कोई गांधी जी परफ्यूम बनेल है जा तो देख की ऊ फिल में जो गैर भोजपुरी भाषी लड़िका लोग हवन जा में भाग ले अच्छा। भोजपुरी बोले के कोशिश कर ले हो जा तभी आवत बी सी के सहयोग से सकब जाओ के दर्शावे जी आखिर में हमने के आप ही बताओ कि हमने के खासकर नौजवान लोग खातिर या जनता लोग खातिर भोजपुरी के संरक्षण खातिर तुह सलाह कह हमर सलाह भोजपुरी बोला, भोजपुरी खूब जोड़ी बा, जब ले बा भोजपुरी में एक बा अपन से बा तब भोजपुरी तोहरों भी सत तोहरों भी रक्षा करी क्या कि एगो संस्कृति ह जब तोहर संस्कृति हुए चल जाय जब भाषा चल जाय तब संस्कृति चल जाए जब संस्कृति चल जाए पहचान चल गए, जब पहचान चल गए तब कुछ नहीं होगा, जैसे एगो देख ले होगा ना टिंका कहीं के नहीं रहेला न इधर के न उधर के एगो जब पहचान रहेला जो भाषा रहेला जोगा के रखबा संभाल के रखब अपन लोग लो के सिखेबह त भाषा वा त्योहार रक्षा करी जी सब जानकारी खातिर आर अमूल्य विचार खातिर तोरा हमनी धन्यवाद बोलब जा जी जैसे सरिता जी बोलन कि जे हमनी के भाषा ह तभी हमनी के संस्कृति जे हमनी चाहत हें जब के संस्कृति के बचाए के भाषा के भी बचाए के चाहेला और आर खाली सरकार या कोनो संस्था के जिम्मेदारी नहीं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य के जिम्मेदारी है कि Uh, हमने के भाषा के बचा के चाहिला, खातिर बोले के चाहेला तो ही संगे हमनी के uh, ये प्रोग्राम समाप्त होता तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्कार राधा